हमारे जमात के लोगों को साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुनिया हमारे जमात से डरनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चों को अगवा करके रुपए वसूल करने पड़ेंगे। जो जो जहां है वहीं से उन्हें इस काम को अंजाम देना होगा। क्या हुआ? स्कूल गया हुआ बच्चा गायब हो गया? वो हमारे पास है, बिजनेस की बातें करें। कितना दोगे? ए, एक फैक्ट्री और एक थिएटर है तेरे पास, और बच्चे की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए? 1 करोड़ चाहिए। देगा या नहीं देगा? जब वक्त दिया है, अगर उसमें पैसे नहीं मिले तो तेरे बेटे की लाश मिलेगी। अरे सुनो। हाँ साहब। 4 पैकेट लक्ष्मी शादी मंडप और 3 पैकेट रेलवे शादी मंडप में पहुंचा दो। ठीक है साहब। बीच में कुछ गायब मत करना। हाँ। अरे भाई संभाल के। तुम्हारा भाई आ रहा है। ये क्या, बिना देखे कैसे बता दिए? कचरे के डब्बे में से जो बदबू आती है, अगर वो आए तो समझ लो तुम्हारा भाई आ रहा है। क्या कुछ भी बोलते हैं, इसने सेंट लगाया है। खुद खरीदता तो अच्छा होता, मुफ्त में गटकता है तो डकार के बदबू आएगी ही। जीजा जी ऐसे मत बोलिए, बोल देता हूँ आपसे, मेरी भी इज्जत है। बहन 100 रुपए दो। इज्जत है तो फिर भी क्यों मांग रहे हो? देखो जीजा, अपनी बहन से मांग रहा हूँ, तुमसे नहीं। लेकिन तुम्हारी बहन मुझसे मांगेगी। दे दीजिए ना। नहीं दूंगा, तुम्हारे पीछे ये दारू पीता है, ये बात जानती हो तुम? हाँ तो ठीक है, इनको दे दो ना। तुम्हारे दारू पीने की बात कर रहा हूँ, इसे मत बिगाड़ो। जीजा फालतू बात मत करिए, 100 रुपए देते हैं कि नहीं? नहीं दूंगा। बात से मुकरते हुए शर्म नहीं आती आपको? क्या कहा? ये शादी के समय क्या बोला था? तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें भी आखिरी तक देखूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी उस समय आपने, और आज देखिए अपनी बात से आप मुकर रहे हैं। तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं दूंगा। पुरानी बहन मुझे वापस करो। क्या कहा? पुरानी बहन? हाँ, शादी के समय वाली फ्रेश बहन, वो मुझे वापस चाहिए। वो मैं कैसे दे सकता हूँ? 100 रुपए दो। हाँ नहीं है मेरे पास। अच्छा तो नहीं है तो बहन मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरी माँ के घर। लेकिन क्यों? खुद के कपड़े धोगे तब तुम्हें पता चलेगा। दे दे ये लो भाई। यही बात। अरे पहले दे देते, खुद से कपड़े धोने के नाम से डर। सही बोला। 500। रुको, आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर से मिलना है। विजय, सब खैरियत? जी सब खैरियत है। ये मेरे जानने वाले हैं, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। बैठो ना। अब बोलिए। सर मेरा नाम शिवराम है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी बगल में SI आर्ट्स कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। उसी कॉलेज में चेयरमैन का बेटा भी पढ़ रहा है। वो घड़ी घड़ी मेरी बेटी के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और अकेले में आने को बोलता है और गलत हरकतें करता है। मेरी बेटी ने मैनेजमेंट में कंप्लेंट भी किया। चेयरमैन का बेटा है, बड़े लोग हैं, तो बस नाम के लिए उसे बुलाकर वार्निंग देकर छोड़ दिया। अभी 10 दिन पहले ही कॉलेज में सब लोग टूर पर गए थे। उधर जब मेरी बेटी नहा रही थी, उसने अपने फ़ोन से सब रिकॉर्ड कर लिया और फिर मेरी बेटी को दिखाकर मेरे साथ चल, वरना मैं सारे स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा।
इंटरनेट पर डाल दूंगा, ऐसी धमकी दे रहा है। पुलिस के पास गया तो मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी, आत्महत्या भी कर सकती है वो, 3 छोटी बच्ची है। मन नहीं माना सर। आपकी बेटी को जहां उस लड़के ने बुलाया था उसे वहां जाने बोलिए। सुनो ख्याति, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मेरा दोस्त जो करेगा उसे चुपचाप करने दो। इतनी आसानी से नहीं करूंगा। वो कौन है पता है? मेरी माँ और मेरी बहन है सर। तूने जैसे इसका वीडियो बनाया वैसे ही मैंने भी इन दोनों का वीडियो बनाया है। अब देखना 24 घंटों के अंदर सारा शहर इसको देखने वाला है। सर माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे परिवार की इज्जत चली जाएगी सर। तेरे पास ही परिवार है, इन लोगों के पास नहीं है? इसे इतना टॉर्चर किया, इसके मन को कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्या सोच रहा है? हाँ सर, उस वीडियो को वायरल मत करना सर, हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। क्यों बे? तेरी माँ और बहन का मैंने वीडियो बनाया, ऐसा झूठ बोला तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? तो उस लड़की को जिसने जन्म दिया उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी? अगर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली होती तो कौन जिम्मेदार होता? सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर इसके बाद कुछ किया तो मार दूंगा। ठीक है। कैसी हो मेरी टमाटर? चल भाग यहाँ से। गलत जगह निशाना लगा रही थी। जा तू नहीं तो ये है ना, इसका मतलब काट डालूंगी। बोली क्या चल रहा है यहाँ? काम कैसा चल रहा है वही देख रहा हूँ। तुम काम देख रहे हो या उसे पटा रहे हो? क्या जी जाजी, कितना गलत सोचते हैं आप। hey! और क्या, एक टाइम पे सबको कैसे पटाऊंगा, एक एक करके पटाऊंगा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो फिर किसका? तुम्हारे पिता का है। वो कैसे? बचपन में ही तुम्हें पेड़ में बांध कर अच्छे से तुम्हारी कुटाई की होती तो आज तुम ऐसे ना होते। मेरी बहन से तुमने शादी की है, साथ में उसे भी पीटना चाहिए था। जा यहाँ से। पता है क्यों जाने बोला? बोलने के पहले बताना चाहिए। अरे वो गुस्से में बोला भाई। क्या है बताओ पहले। तेल लेकर आओ, जाओ। ठीक है। कौन सा तेल चाहिए ये तो पूछो। तेल तो तेल ही होता है ना। हाँ ये बात भी सही तो है। फिर क्यों जान खा रहे हो? फिर मत पूछना कौन सा तेल चाहिए। कौन सा तेल? मूंगफली का तेल। ठीक है। छोटे मैं कौन हूं?
आवारा। ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, इस घर का मैं कौन हूँ? बॉस का साला, इसीलिए घर बैठ के खा रहे हो। अब वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि इस घर में तुम कौन हो? इस घर में भाड़े पे रहने वाला हूँ। भाड़े में रहने वाला? भाड़े में रहते हो तुम्हें पता है ना, तो जब साहब आते हैं तो नमस्ते करना चाहिए ना। करना चाहिए। करो नमस्ते। नमस्ते सिर्फ मुंह से बोलते हैं क्या? पढ़े लिखे हो, मैनर नहीं है क्या? नहीं। नमस्ते, सॉरी। सॉरी बोलने से तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? अरे क्या बार बार घूम रहे हो, जगह पे खड़े रहो ना। बुलाया आपने? और क्या? अरे मैंने तो बस ऐसे किया बड़े भाई। तुम यहाँ पे रख के निकल जाओ। तो नमस्ते। नमस्ते बोलो तो नमस्ते ठोको। ये तो मुझे ठोक नहीं लगा। भैया सुनिए ना। क्या हुआ भाई? आप दुकान में रहना, मैं मार्केट से सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे वाह साले साहब ने तो दुकान बहुत अच्छी रखी है। एक ही दिन में सब सीख जाऊंगा, फिर अपने गांव जाके एक अच्छी सी दुकान खोलूंगा। दुकान पे नए हो? पुराना भी रहूं तो क्या करोगे? इसके पहले कभी देखा नहीं इसलिए मैंने पूछा तुमसे। पहले भी देखा होता तो क्या करते? आगे पीछे कभी नहीं देखा इसलिए पूछा। आगे पीछे देख भी लेते तो क्या करते? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, सबक सिखाना पड़ेगा। क्या चाहिए? वही चाहिए। क्या चाहिए? वही चाहिए। पर क्या चाहिए? बोला ना वही चाहिए। दुकानदार तुम हो कि मैं हूँ? तुम हो। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है। क्या चाहिए? वही चाहिए। क्या चाहिए भाई? वही चाहिए। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग फ्राई कर रहे हो? बस फ्राई के लिए वही चाहिए। भाई दिमाग फ्राई के अलावा क्या चाहिए? फ्राई करने के लिए तो तेल मांग रहा हूँ। तूने फ्राई के लिए क्या मांगा? वही मांगा। तुम्हें यही तेल चाहिए क्या? वो तो कब से बोल रहा हूँ। अरे भाई दिमाग का तेल क्यों निकाल रहे हो? तेल चाहिए। हाँ? ना तो ऐसा बोलना चाहिए था ना, कब से कुछ भी बोले जा रहे हो। कैसे पता चलेगा कि क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो, कौन सा तेल? अच्छा वाला तेल। तो ऐसे साफ साफ बोलो ना। ये साफ तेल है ना? तुमने पहले अच्छा तेल बोला ना। हाँ? तो फिर अब ये क्यों? साफ तेल है, यही पूछ रहा हूँ। ये साफ तेल है, वही पूछ रहा हूँ मैं, साफ वाला। अच्छा ये पूछ रहे हो? सच में ये अच्छा और साफ तेल है भाई। ठीक है दे दो, ये मूंगफली का तेल है ना। अरे अरे ये दुकान क्या, मैं ये जगह ही छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हुआ? कब से फोन रिंग हो रहा है, उठा क्यों नहीं रही थी? I was in the dream. किसके? उस ऑफिसर के ड्रीम? हाँ। इस वक्त वो कहाँ है तुझे पता भी नहीं है? एक ना एक दिन मैं पता लगा लूंगी। ₹100 और दो ना साहब। जो दे रहा हूँ वो खुशी खुशी रख लो। क्या भाई आप भी वही देख रहे हो क्या? तुम्हारे रिश्तेदार की लड़की है ना। अरे साहब कम है, ₹100 और दे दो। ए, जो लड़कियाँ हैं वही संभाल नहीं पा रहा हूँ, अब इसे भी कैसे संभालूंगा वही सोच रहा हूँ मैं। हाँ साहब सही कह रहा हूँ, ₹100 और दे दो। तुम लोग निकलो यहाँ से, वो सीधा मेरे गले लगेगी और उसके बाद कुछ ऐसा वैसा होगा, ये सब तुम लोग देख नहीं पाओगे, इसलिए निकलो यहाँ से। ठीक है साहब, अगली बार ज्यादा पैसा दे दूंगा। ठीक है साहब। मेरा हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अच्छा ठीक है साहब। ये क्या लगता है मुझे गलत समझ रही है? ए आओ ना। अरे ये तो सामान उठाने के लिए बोल रही है। अरे मुरली अचानक यहाँ? घर खाली करके आया हूँ मैं, अब उस शहर में नहीं रह सकता। क्यों? वहाँ पर एक आदमी है, वो संध्या के साथ शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसने नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सारे हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया है, जहाँ भी काम मिल जाएगा वहाँ सेटल हो जाएगी। कोई बेटी को काम पर भेजता है क्या? शादी करवा दीजिए ना इसकी। तो मैं ब्रोकर को बुला लेता हूँ, फट से करा देगा वो। फट से ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। कैसी शर्तें? रेडियो में रिकॉर्ड करके लाती हूँ। पर किराए पर रहने के लिए आए हैं? मैं कौन हूँ पता? इस घर के ओनर मेरे बड़े पापा हैं। एक हेलो भी नहीं कह सकते क्या? हाँ ठीक है मैं कह देती हूँ, हेलो हेलो। देखते ही मन को पसंद आना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। ओके।
क्या चल रहा है? क्या वहाँ क्या देख रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। बस ऐसे ही। ऐसे भी मत देखना, वो कौन है तुम्हें पता है? मेरी रिश्तेदार की लड़की। ओहो है? क्या ओहो ओहो बोल करके तुम फिर से वहीं देख रहे हो? लुक उधर है और लिप इधर है, है? देखो बिना मतलब के क्या है कि अपने आर्म को दिखाना और छाती को फुलाना, आंखें बड़ी करके दिखाना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। घर में जैसे भाड़े वाले रहते वैसे रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, वरना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होगी ये। ओके ओके ओके। इतना धीरे बोल रहे हो, कम से कम ऐसा बोलो कि सुनाई तो दो, कान को जोर से बोलो। ओके कहाँ गायब हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? बच गया। आवाज आ रही है? खोल गया। ठीक है जाओ। प्यार में तेरे मैं पागल हूँ। अरे वाह, अरे वाह, इसे उसके ऊपर डालूंगा तो मजा आ जाएगा। अरे कितनी सुंदर है, यहाँ डाल देता हूँ, ये अच्छा रहेगा। क्रॉस डालोगे तो डर जाऊंगी क्या? नहीं डरी, लड़कियां तो डर जाती है ना। ये तो बकवास आइडिया है। सुबह ही दो छिपकली को मसला था, दोपहर में तीन सांप को मसल दिया, और अब तुम्हारी वजह से इस मामूली कॉकरोच को भी मसलना पड़ा। अरे कैसी औरत हो तुम, प्राणियों पे जुल्म करते हुए तुम्हें दया नहीं आती है क्या? ज्यादा बात किया ना तो आयन से मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा, उसके बाद बंदर बन के घूमते रहना। बंदर बन के घूमना पड़ेगा? बंदर बन गया तो शादी कैसे होगी मेरी? एक्सक्यूज मी, जो भी कपड़े पहनते हैं बहुत स्मार्ट लगते हैं। कंडीशन नंबर टू। ओके चलो उतरो। घर ही तो जा रहे हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, मैं नीचे और आप ऊपर, ड्रॉप कर दीजिए ना। नहीं होगा, उतरो। मुझे अपने आप पर भरोसा है, अगर आपको है तो ड्रॉप कर दीजिए। इसके पहले कभी किसी लड़की को बाइक में कहीं ड्रॉप किया है क्या आपने? आह, इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? मैं समझ गई। हाथ हटाओ। मैं आपको पकड़ लूं, इसलिए तेज चला रहे थे ना। मुझे स्विमिंग आती है। भाई वो इंडस्ट्रियलिस्ट सही आदमी नहीं है। हाँ वही 50 लाख बोल के रो रहा है। पुलिस के पास जा सकता है। तो फिर उससे बात मत करो, उसके बेटे को खत्म कर दो। सर। यस। किडनैपर के पास से ये सीडी आई है सर। लगाओ। Oh.
क्या है? मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है और एआर रहमान का तो बहुत ज्यादा। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, तुम जा सकती हो। मेरी कंडीशन नंबर जाने के लिए बोला ना, जाओ। आंटी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। बोलो बेटी। कल आप मेरे घर पर खाने पर आ जाइए। क्यों बेटी? क्योंकि मैं खाना बनाने वाली हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसी बात नहीं है आंटी, अपने बेटे को साथ लाइएगा। ओ, मेरे घर की बहू बनने का इरादा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस लेकर आइएगा ना। मेरे होते हुए तुमने उस पर नजर लगा के रखा है, देखता हूँ मैं तुम्हें, देखता हूँ। संध्या, तुम उसके लिए क्या बना रही हो? मैं जो बना रही हूँ बहुत स्पेशल है। इसमें क्या स्पेशल है? हाँ, ये तेल ही स्पेशल है, इसमें बना खाना खाकर वो मस्त और फ्रेश रहेंगे। क्या बेटी, खाना बना लिया? कोई तो एक चीज मैं भूल रही हूँ। क्या? हाँ, मेरी माँ का सिखाया हुआ मैजिक। कैसी मैजिक? अगर ये डालकर खाएंगे तो हमारा माइंड फास्ट काम करेगा। यही है इसका मैजिक। एक मिनट, ये तुम्हारा इकलौता बेटा है? हाँ बेटा। मुझे उससे अकेले में बात करनी है, आप अंदर जाइए। आप चलिए, मैं आता हूँ। डरिए मत, कुछ नहीं करूंगा, आप जाइए। उधर कहाँ? खाना खाने। फ्री का खाना मिले तो कहीं भी खा लेते हो? खा लेता हूँ। तो खाने के लिए कहीं भी चले जाओगे? चला जाऊंगा। शर्म नहीं आती? नहीं। बात कर रहा हूँ, चल क्यों रहे हो? जाना है ना? मतलब जानना है? हाँ। दूसरा रास्ता नहीं है? यही रास्ता है ना। मजाक? बात अच्छी करते हो मगर सुनते नहीं हो तुम। मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैंने तुम्हें रोका तो खून कर दूंगा। ओ, फिर तो जाना चाहिए ना। ओ, 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 ओ। ब्रदर, क्या हुआ? अच्छे से खाना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। पता है मुझे। आके। कोई भी बोल डालो छक्का मार देता है। खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू। मैं जो कुछ बना हूँ उसे प्यार से खाकर उसकी तारीफ करे। कनेक्शन नंबर 7, ओके। संध्या है क्या? आप संध्या है? हाँ। आपके नाम पर रजिस्ट्री आई है, यहाँ साइन कर दीजिए। पापा, पापा। क्या है बेटी? देखिए, नर्स पोस्ट का अपॉइंटमेंट लेटर आया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। संध्या, इस हॉस्पिटल में तो तुमने अप्लाई ही नहीं किया था। ऊपर जो विजय रहता है, मैंने ही उससे तुम्हारी बेटी के बारे में बोला था। हाँ हाँ। सर, आप क्यों थैंक्स कह रहे हो? संध्या को आपकी वजह से एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिला, इसीलिए थैंक्स बोल रहा हूँ मैं। वो तो डॉक्टर मुझे जानता था, इसलिए मैंने बोल दिया था। आपके बेटे ने मेरे कंडीशन नंबर 8 को ओके कर दिया। आजकल लड़कियों को अच्छा काम और अच्छा पति मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी वजह से संध्या को अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत खुशी की बात है। हमारे घर में जो काम करता है ना, उसकी बेटी की शादी है, वो तुम्हें शादी का कार्ड देना चाहता है। शादी में जरूर आइएगा। जी जरूर आऊंगा। मैं भोपाल जा रही हूँ, मेरी सारी कंडीशंस को आपने ओके कर दिया, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। प्यार हाय मीना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मीना, वो क्या हुआ दीदी? असल में लंदन इंटेलिजेंट पुलिस से एक न्यूज आई है, कुछ आतंकवादियों ने इंडिया में रहने वाले वीआईपीज के बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया है।
उस लिस्ट में हमारा परिवार भी है। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, हमारी प्रिया के लिए सिक्योरिटी रखवा दो। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। पता थी फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। प्रिया के साथ हम सब लोग हैं, तो कोई उससे अगवा कैसे कर लेगा। मैं इसे इतने हल्के में नहीं लूंगी। दीदी ने जैसा कहा है, आप प्रिया को बोर्डिंग स्कूल भेज दीजिए। प्रिया की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। अपना वो दिनेश है ना, अगर उसे कहेंगे तो दो कांस्टेबल भिजवा देगा। अंकल को रिटायर हुए 2 साल हो गए। अंकल अभी शहर में नहीं है, जैसे ही वो आएंगे हम डिसाइड कर लेंगे। वो कब तक आएंगे? मीना, तुम ड्राइवर की भाई की शादी में जाकर हो आओ, तुम्हारे आते ही मैं बंदोबस्त कर दूंगा। आइए जी, नमस्ते। 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 बैठिए। ठीक है, मैं भी आता हूँ मैडम। नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते। मीना ने एक शादी में एक बच्ची को आग से बचाते हुए एक आदमी को देखा। ये चाहती है कि उसी को प्रिया का बॉडीगार्ड बनाया जाए। हाँ अंकल, अपनी जान की फिक्र किए बिना उसने सबकी जान बचा ली, वो आदमी सबसे सही होगा। पर अचानक से हम किसी को भी बॉडीगार्ड नहीं बना सकते हैं। जल्दबाजी में हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता करना होगा। He must be a professional, a trained man. कभी भी कुछ भी हो, उसे संभालने की उसमें ताकत होनी चाहिए। आपके पहचान में कोई ऐसा आदमी है क्या अंकल? है,
मेरे सर्विस में मैंने जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं उसमें एक ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, अ यंग डायनेमिक फेलो, उसका नाम है विजय। Hey, चल दो पान दे। Hey, गाड़ी निकाल। विजय, तुम एक बहादुर ऑफिसर हो, इसलिए सीनियर ऑफिसर्स भी तुमसे जलते हैं, पॉलिटिशियंस भी तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं, बी केयरफुल। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही बिगाड़ पाएंगे। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारी तरह बहादुर और हिम्मती ऑफिसर अभी हमारे डिपार्टमेंट को मिलना मुश्किल है। तुम फिजिकली अनफिट हो ऐसा डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, अब तुम पुलिस में काम नहीं कर सकते। प्लीज डोंट डू दिस टू मी, ये तो कुछ भी नहीं है, आफ्टर ऑल एक छोटा सा घाव है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, मैं खुद को फिट साबित कर दूंगा। तुम्हारे प्रूफ करने के बावजूद डॉग ट्रेनर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिस्टम में काम करते वक्त अगर बहुत ज्यादा ईमानदार रहो तो न सिस्टम को पसंद आता है न सिस्टम ऑपरेट करने वालों को। जब मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गया मगर वो ठीक होने से पहले ही अपने गांव अपनी माँ के पास चला गया था, इसलिए मैं उसे मिल नहीं पाया। उसकी कोई डिटेल भी नहीं है मेरे पास। प्रिया के लिए सबसे बेहतर बॉडीगार्ड वही है। अंकल, उस आदमी ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी मगर इसने ड्यूटी के साथ साथ सबकी जान भी बचाई है। उसे सबको बचाने की जरूरत नहीं थी फिर भी उसने जोखिम उठाया, मेरे हिसाब से वही सही है। मैंने जिसके बारे में बताया उसमें तुम्हारी वाली क्वालिटीज हैं। लेकिन मीना, नहीं अंकल, जिसे बोलेंगे वही सही रहेगा। अंकल, अभी आपने बोला कि वो कहां पर है ये आपको पता नहीं? यस, यही है वो विजय। अंकल, मैं भी इसी की बात कर रही थी। सच में? I'm sure अंकल यही है। कहाँ देखा तुमने? यही विजय रहता है साहब। हेलो हेलो बड़े भाई, आइए साहब। सुना ही नहीं। नमस्ते जी। आइए, अंदर आइए। क्यों ड्राइवर भाई? सफेद शर्ट में जो आदमी गया वो कौन है भाई, जरा बताओगे? किसके बारे में पूछ रहे हो? कौन है वो? तुम कौन हो पहले ये बताओ। अरे तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है, कौन है वो? पुलिस ऑफिसर दिनेश। पुलिस ऑफिसर है? लगा था मुझे वो ऐसे सीरियसली गया तो मुझे लगा कि वो इस दाढ़ी वाले को पकड़ने आएगा। हेलो, वो दाढ़ी वाला भी पहले पुलिस ऑफिसर ही था, उसने 9 अपराधियों को गोली मारी थी। 9 लोगों को गोली मारी है क्या? बिना पता किए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अगर गुस्से में उसने मुझे ही ठोक दिया तो क्या होगा? तुम मर जाते। तुम्हारी माइंड की बातें मैं सुन सकता हूँ, कैसा फालतू माइंड है तुम्हारा। छह बाहर भी सुनाई दिया क्या? ऊपर छत तक सुनाई दे रहा है। सर, सर। बोलिए सर। सर बाथरूम में पानी अच्छा से आ रहा है ना सर? नहीं आ रहा हो तो बताइए, अभी ठीक करवा दूंगा सर। अंदर जाइए सर, धूप में खड़े रहेंगे तो मेरी तरह काले हो जाएंगे सर। क्या बात है, अचानक ये प्यार कैसा? वो तो पहले से था लेकिन मैंने उसे एस्टैब्लिश नहीं किया था सर। संभाल के। सर रहने दीजिए, आपका ही सेवा को जब चाहे मार लीजिएगा सर। कैसे कैसे लोग चुपके से रहते हैं आजकल, कुछ भी पता नहीं चलता है भगवान। एक ब्रिलियंट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ऐसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप बताइए कैसे हैं सर? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? प्लीज सिट डाउन। क्यों सर, मुझे ढूंढते हुए आप इतनी दूर आए हो? जयराम के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ पता। उसकी इकलौती बेटी का तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है। मैं पुलिस में था वही बात भूलने की कोशिश कर रहा हूं, यह मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी काबिलियत के बारे में मुझे पता है, उस बच्ची की सिक्योरिटी के लिए
जितने चाहे बॉडीगार्ड हम लगा सकते हैं, मगर वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कितने पेरेंट्स के बच्चे लापता हैं और वो लोग बहुत दुखी हैं, और पता नहीं कितने बच्चों को वो अगवा करने वाले हैं। उनके नेटवर्क को खत्म करना है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं क्यों सर डिपार्टमेंट के लिए काम करूं? तुम्हारा गुस्सा जायज है। देखो, डिपार्टमेंट के लिए ना सही, वह बच्ची मेरी पोती की तरह है, उसके लिए करो। तुम मना नहीं करोगे ऐसा भरोसा है मुझे। यह है उसकी फोटो, उसका चेहरा देखकर तुम डिसाइड करो। अभी वो लड़की कहाँ है सर? थैंक यू वेरी मच। एक और रिक्वेस्ट, मुझे विजय ऐसा वाला पसंद नहीं है, मुझे पहला जैसा विजय चाहिए। कम जयराम, ये है विजय। हाय, आई एम जयराम। हेलो, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। आपके बारे में अंकल ने बहुत कुछ बताया है। प्रिया को कुछ होना चाहे सोचकर हम बहुत डर गए हैं, आपको उसका ध्यान रखना होगा। मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ, आपके लिए गन का लाइसेंस अप्लाई किया, इस पे साइन कर दीजिए। वेट मिस्टर लक्ष्मण, प्रिया का बॉडीगार्ड बनने के लिए कितनी सैलरी लेंगे आप? 1,00,000 रुपए। ₹1,00,000। 1,00,000 उसके साथ जाकर आने के लिए, वो भी कार में? सर, आप सिर्फ बच्चे के ही बॉडीगार्ड रहे हैं, लेकिन आपने तो हमारा भी रेट लगा दिया। नो नो नो, बैठ जाइए, हमारे लिए पैसे जरूरी नहीं है, प्लीज, हमारी बच्ची ज्यादा जरूरी है। यस मिस्टर विजय, हम इतनी सैलरी दे देंगे, आपकी कोई और कंडीशन है क्या? उसमें से 75,000 रुपए का आप सेंट मेरी स्कूल को डीडी भेज दीजिए, बाकी 25,000 मेरे लिए काफी है। प्रिया? यस मम्मी। हेलो अंकल, आई एम प्रिया। प्रिया, अब से तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यस डैडी, अभी से ये अंकल ही मेरे बॉडीगार्ड हैं। इन्हें गेस्ट हाउस में ले जाओ। आइए अंकल। मिस्टर विजय, अभी हमें डरने की जरूरत नहीं ना, हमें आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। हेलो, आई एम रम्या, जयराम सर की पीए। एक्चुअली मैं आपको पहले से जानती हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के बगल में ही मेरा घर है, डेली मैं आपको देखा करती थी। फिर बाद में आप मुझे दिखे ही नहीं, कैसे भी आपको मिलना है और बात करना है ये सोचती रहती थी, रोज आपके बारे में सोचती थी कि आपसे कब मिलूंगी। आप बहुत स्मार्ट हैं। थैंक यू। आप कानपुर से हैं क्या? आपको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है? गाड़ी में सीडी है, चाहे तो सुन सकते हैं। आप इससे पहले किसी के पास बॉडीगार्ड का काम करते थे क्या? नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है। थोड़ा चुप रहोगी? क्यों, बात करते हुए भी तो जा सकते हैं ना। 2 हफ्ते में मेरे जैसे 42 स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं, उनमें से 21 लोग वापस आ गए, मगर उनमें से 9 लोगों को मार दिया गया। 12 लोगों का क्या हुआ पता नहीं है। एवरेज निकला 1 दिन में 3 लोग, इससे आपको क्या पता चलता है? तुम्हारा मैथ्स अच्छा है ये पता चलता है। हर कोई यही बातें करता है। बाय अंकल। हेलो, मैं संध्या। कैसे हैं आप? बिना मूछ के आप और भी हैंडसम लग रहे हैं। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ वो यही बगल में ही है।
कैसे हैं आप? अब ठीक है, मैं ही पता लगा लेती हूँ। वैसे आपका फोन नंबर क्या है? हाँ ओके, मैं खुद ही फोन नंबर ढूंढ के आपको कॉल कर लूंगी। सी यू। स्कूल 4 बजे छुटेगी। ओके। आप जब पुलिस ऑफिसर थे तब आपने 9 लोगों को गोली मारी थी क्या? आपने वो पुलिस का काम क्यों छोड़ा? देखो, फालतू के सवाल मत करो मुझसे। मगर मुझे जानना है। Will you please shut up? मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरी सैलरी सिर्फ बॉडीगार्ड के लिए है, सवाल जवाबों के लिए नहीं। सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई देता है। रो रही हो? नहीं तो? तुम मुंह फुला कर क्यों बैठी हुई हो? मेरा मुंह मेरी मर्जी। ओके। सर सर कुछ दे दीजिए सर, प्लीज सर, दे दीजिए सर। प्रिया प्रिया। प्रिया कह रही है आप आएंगे तभी वो खाना खाएगी, अब आपको ही कुछ करना होगा। जिन्हें बच्चों से बात भी करना नहीं आता उन्हें काम पर क्यों रखा हुआ है हमने? अरे कुछ भी हो, इसने प्रिया को क्यों डांटा? मैंने कब तुम्हें डांटा? खाना खाओ। मैडम का गुस्सा चला गया क्या? मैं विजय अंकल के साथ खाना खाऊं इसलिए ये ड्रामा किया मैंने। अरे बाप रे। सीता मेरी पीठ में थोड़ा तेल लगा दोगी क्या? ठीक है, जाओ तेल लेकर आओ। ऑयल बात चाहिए? मुझे दे। जा निकल यहाँ से, बोला ना निकल यहाँ से। एक लड़की को एक लड़की तेल लगाएगी, ये कैसा न्याय है? ठीक है मॉक। मीटर स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंडर की लड़की उमा ने जीत हासिल की। अच्छा स्विम करती हो। मैं जीत नहीं पाऊंगी। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। अभी तक मैं कभी नहीं जीती, मैं नहीं जीत सकती। ऐसी बात नहीं करते, तुम जरूर जीतोगी। आओ। चीयर अप। प्रिया क्या तुम स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीत पाओगी बेटा? जी हाँ। प्रिया हाँ? जरा पेंसिल देना। प्रिया, तुम्हारी पेंसिल। मेरे पास एक और है अंकल। मैंने जैसे बताया वैसे प्रैक्टिस करो, तुम्हारे स्कूल में तुम फर्स्ट आओगी। क्या मैं कर पाऊंगी अंकल? होगा, ऐसे विश्वास के साथ करो, पक्का हो जाएगा। जाओ।
जाएंगे। हाय, मैं संध्या। मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने कहा था ना, ढूंढकर कॉल करूंगी। बहुत बड़ा काम किया। मुझे एक बात पता करनी थी। क्या? उस घर में रम्या नाम की एक लड़की रहती है ना, वो तुम्हारी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड? फोन रखोगी? फिर से फोन करूंगी। कौन, गर्लफ्रेंड थी? मैंने पूछा गर्लफ्रेंड थी क्या? हिस्ट्री में कोई डाउट हो तो वो पूछो। मैं तो हिस्ट्री की बात ही कर रही हूँ, विजय हिस्ट्री की। आपकी पहली गर्लफ्रेंड कौन है बताइए ना। पुलिस। पुलिस का काम ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। डर लग रहा है? नहीं तो? तो हंसे भी ना बोलो। नहीं। तुम जीत पाओगी या नहीं? जीतूंगी। हाँ या नहीं? हाँ जीतूंगी। जोर से बोलो। हाँ जीतूंगी। गुड, चीयर अप, गो। हेलो मिस्टर विजय, प्रिया के पेरेंट्स नहीं आए? वो बाहर गए हैं। मतलब आप ही आज उसके लिए उसके पेरेंट्स हैं? कंपटीशन में फर्स्ट स्टैंडर्ड की प्रिया ने जीत हासिल की। मैं जीत गई। प्रिया को हम 7 तारीख को अगवा करेंगे। यहाँ क्यों लाए हो अंकल? बताता हूँ। अच्छा लगा, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। इसे एक नाम देने वाली हूँ, विजय। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मम्मी, मुझे आज म्यूजिक क्लास नहीं जाना है। क्यों? आज मैं विजय अंकल के साथ स्पाइडरमैन पार्ट 2 देखने जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें म्यूजिक क्लास जाना होगा। ओके। प्लीज डैडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नो, स्पाइडरमैन पिक्चर में भी म्यूजिक है। म्यूजिक क्लास तो तुम्हें जाना ही होगा। अंकल। 1 मिनट। थैंक यू। और मुझे? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल देखता हूँ, ओके? हेलो। हाय। हाय प्रिया। गुड मॉर्निंग मास्टर। क्लास कब खत्म होगी? 1 घंटा लगेगा। गो। बाय अंकल। बाय बाय। चलो। Yeah.
प्रिया! 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 प्रिया रन! ने प्रिया को अगवा किया, उनकी गोलियों से पुलिस अधिकारी विजय बुरी तरह घायल हुए। मेरे प्यारे, मेरे साजन, मेरे बलम, मेरी जान। फाड़ के चिल्ला रहे हो बुढ़े, क्या हुआ वो पूछो। मन में फीलिंग आई, तुम्हारी बेटी को गले लगाया, उसकी फीलिंग क्या है वो जानो, उसके बाद बात करो बुढ़े। बेमतलब का चिल्लाता है। तुम्हारा क्या है फीलिंग? पहले इसने मुझे गले लगाया है, जिसने गले लगाया है उसे ही मेरा हाथ दे दो ना। ये सब फालतू बात करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर अरे ठीक है ठीक है ठीक है, उसको किसी काम पर लगा दोगे तो मेरी बेटी का संसार सुधर जाएगा। मैं इसको काम नहीं देने वाला, चाहो तो तुम लेके दूंगा। लखनऊ में साला रहता है, वो ऑटो चलाता है, इसे भी 6 महीना ऑटो चलाने दो, उसके बाद इनकी शादी करा देंगे। सर 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 प्लीज कुछ सदी बताइए सर, सर क्या हो रहा है सर, प्लीज कुछ बताइए सर, वहाँ क्या हुआ था? शहर में किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हमने पैसे वालों की एक लिस्ट बनाई है और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हम प्रिया को भी फॉलो कर रहे थे, तब हमें पता चला कि विजय ने प्रिया को अगवा किया और अपने आदमी को सौंप दिया, और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी गोली मारी। क्रॉस फायरिंग में विजय ने हमारे 5 ऑफिसर्स को भी गोली मारी है। एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा। देखिए, हमें भी इस पर यकीन नहीं था, लेकिन सिचुएशन को देखकर हमें यकीन करना पड़ रहा है। इसमें और किस किस का हाथ हो सकता है? अभी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। वन मिनट, हेलो। मैंने कहा था उस बॉडीगार्ड को मत रखिए, अब देखिए हमारी बच्ची को ही बेच दिया उसने।
ओके सर, मैं बात करती हूँ। हेलो, आई एम देवराज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आप लोगों की हालत में समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी होगी। इस बारे में हमने खुद ही डील करने का फैसला किया है। मिस्टर जयराम, आपकी बेटी अगवा हुई तो हमारे भी 5 ऑफिसर शहीद हुए हैं। उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने कोर्ट से परमिशन ली है। बॉडीगार्ड के बारे में हमें कुछ बताएं। मुझे तो उस पर ही शक है। सर, इनके कहने का, लेकिन आपका बॉडीगार्ड विजय अब हमारी कस्टडी में है। अगर उसे इंट्रोगेट करेंगे तो जिसने अगवा किया उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। जिसने अगवा किया है वो आपसे पैसे मांगेगा, पर देने की गलती मत कीजिएगा। अब से आप लोगों को वही करना होगा जो मैं बोलूंगा। हेलो हेलो, तुम्हें अपनी बेटी बहुत प्यारी है ना? प्रिया को जिंदा देखना चाहते हो? जी हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना है यही सोच रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ? प्रिया, 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 जिन्होंने किडनैप किया है उनसे बातचीत चल रही है। विजय की कंडीशन कैसी है? ट्रीटमेंट चल रही है, अभी कुछ नहीं बोल सकते। मर जाए तो ही अच्छा है। सर, क्या सर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सच है, कानून उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मूर्ति, विजय का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें उसे जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट करना होगा। हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर सुना तो जहाँ से तुम्हारी बेटी को उठाया था वो तुम्हें वहीं जिंदा मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो मेरी बात का यकीन करो, अपनी बेटी का मरा मुंह देखोगे। समझ गए क्या? ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मैंने पूछा समझ गए क्या? समझ गया। फिर से कॉल करूंगा। विजय को जितनी जल्दी ठीक कर सकते हो उसे उतनी जल्दी ठीक करो। बिजनेस की बात करें, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे कहाँ लाना है? 1 करोड़ एक बैग में, दूसरा 1 करोड़ अलग बैग में, अलग अलग जगह पे लाना है। बताई हुई जगह पे कार में अकेले आना, मेरे आदमी उस जगह पे रहेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, इसलिए तुम कार के बाहर खड़े रहोगे। जितना बोला था उतना मैं लेकर आया हूं। अरे पैसे कोई लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। तुम्हारे आदमियों ने मेरे भाई को मार डाला, मेरे पैसे भी उठा लिए। लगता है तुम्हें बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं। ऐसा मत करो। मैं
प्रिया की माँ बोल रही हूँ। हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी का कुछ मत कीजिएगा। आपके भाई के साथ जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तुम माफ करने के लिए बोलोगी और मैं माफ कर दूंगा? भगवान के लिए प्रिया के साथ कुछ मत कीजिएगा। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी प्रिया को कुछ मत कीजिएगा। एक जान के बदले दूसरी जान, मेरी प्रिया को कुछ मत कीजिएगा। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे। भाई जिसने पैसे उठाए और बच्ची के फैमिली में कोई लिंक नहीं है। मुझे मेरी प्रिया चाहिए, मुझे मेरी प्रिया चाहिए, मुझे मेरी प्रिया चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए मुझे। तुम अभी मेरे एक दोस्त के घर पर हो। प्रिया कैसी है? तुम्हारी जान को खतरा था इसलिए यहां लेकर आना पड़ा। प्रिया कैसी है? तुम्हें अभी कंप्लीट रेस्ट चाहिए। प्रिया को क्या हुआ? प्रिया को प्रिया को प्रिया को उन लोगों ने मार दिया। नमस्कार, आज के खास समाचार। प्रिया की मौत के बाद उनका परिवार उस सदमे में है। कहाँ भाग गया वो? पता नहीं सर। बिना तुम्हारी जानकारी के कैसे भाग सकता है वो? मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है। ये सर, क्या बोल रहे हैं आप? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए वो भाग गया। भगवान कल से मेरी थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाए भगवान, ऐसी मेरी नजर उतार दे भगवान, उतार दे। ए, 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 भाई साहब क्या करने जा रहे हो? नजर उतारने जा रहा हूँ। नजर उतारने के लिए सिर्फ चाबी काफी नहीं है। अच्छा? जेब में जितने पैसे हैं वो भी रख दो, उससे क्या होगा, तभी तो नजर उतर जाएगी। अच्छा? और तुम्हारी गाड़ी खूब चलेगी और तुम बहुत पैसे बनाओगे। हाँ ऐसा है क्या? तो जितना कमाया है सारे रख देता हूँ। भाई साहब ये कितना है? 150 रुपए कुछ। ठीक है चलेगा, रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा, दबा कर अंदर डालो। जितना कमाया है सब डाल देता हूं इसके अंदर। अब ठीक है ना? एक दो, दो तीन, तीन। हाँ बस बस, चौथा नहीं करते हैं। नहीं करते? हाँ। अच्छा वैसे तुम कौन हो भाई? अरे कोई भी रहो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, अब तोड़ो। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छे से तोड़ो। पीछे तेरी कौन सी इज्जत है? रुको, अरे का बात नहीं दूंगा। अरे रुको रुको, अरे उसमें मेरे पैसे। अरे नहीं दूंगा। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे। पकड़ लिया। इधर जाएगा। अरे रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे तू मुझे ये बनाता है। हाँ ऐसा लगा जैसे सर्कस में काम करता हूँ। भगवान तोड़ दिया। अरे भाई तो मैं ऑटो में करने वाला था, तू वहाँ बीच में तोड़ दिया। हाँ तुम इसे तोड़ के पैसे रख लोगे तो? पहले बोला तो वहीं दे देता, तूने तो पूरी दुनिया की सैर करा दी मुझे।
चल ठीक है, सारे पैसे अब तू ही रख ले, मगर मेरे ऑटो की चाबी तो दे दे मुझे, अब मुझसे और भागा नहीं जाएगा। चाबी चाहिए? अभी देता हूँ। ये लो पकड़ो। ओ तेरे की, अबे कहाँ फेंक दिया बे? उसे तो जाकर छू भी नहीं सकता, फेंकने के लिए वही जगह मिली थी क्या, अब उससे कौन पंगा लेगा। अरे रे, लगता आज मेरा दिन ही खराब है। नमस्ते भाभी जी। क्या है ये? मेरी चाबी है ऑटो की भाभी जी। ये क्या चाबी लगा के खोलने की जगह है? मैंने नहीं, उसने फेंका भाभी जी। पता है दीदी, अभी थोड़ी देर पहले इसने हम सबको जानबूझकर धक्का दिया था। जानबूझकर? हाँ? मैंने? हाँ तो तुम सबको क्या? अरे मैं तुम सबको अकेले कैसा धक्का मार सकता हूँ? अच्छा तो तुम सच कह रहे हो क्या? विजय, हार्बर में मेरी काफी जान पहचान है, तुम किसी और सेफ कंट्री में चले जाओ। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं है, आराम कीजिए, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं पर रहूंगा। मुझे अभी प्रिया के घर जाना है। प्रिया को उन लोगों ने मार दिया। क्यों आए हो यहां? जज्बात क्या होते तुम्हें क्या पता? तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। अच्छा बनके तुमने हम सबको बेवकूफ बना दिया। चंद पैसों के लिए धोखा दे दिया तुमने, मुझसे बोलते तो मैं तुमको दे दिया होता। कितना चाहिए बोलो मुझे, मैं दूंगा। मेरी प्रिया को वापस ला पाओगे? ला पाओगे? नहीं, गलती माफ कर सकते हैं लेकिन धोखेबाज को नहीं माफ कर सकते। हरी, पुलिस को फोन करो, बुलाओ पुलिस को भी। नहीं, देख क्या रहे हो? नहीं बोल रही हूँ ना। मीना, मुझे उस पर भरोसा है और रहेगा। इसने हमारी बच्ची को मारा है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। मैं पुलिस की बातों पर भरोसा करता हूँ, ये मक्कार क्या बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पुलिस की बात पर विश्वास है और मेरी बात पर नहीं? स्टेटमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। इंसान के मन को जानना चाहिए। गुनाह करने वाला गुनाह करके भाग जाता है, सामने नहीं आता। इनका प्रिया की तरफ लगाओ, आपको नहीं पता मुझे पता है। मैं जो बोल रही हूँ यकीन कीजिए प्लीज। क्या चाहिए आपको? क्या मैं प्रिया का रूम चेक कर सकता हूँ? जो विश्वास दिखाया उसके लिए शुक्रिया। प्रिया सबके साथ घुल मिल के रहती थी, लेकिन आपसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। सोते वक्त भी विजय विजय। नहीं। प्रिया को जिसने मारा है उससे जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, प्रिया की कसम। हाँ, प्रिया को मारने वालों को मरना ही होगा। ए, गाड़ी का काम हो गया ना? हाँ कर दिया भाई, एक बार फिर से भोपला से नजर उतार दो। चप्पल से मारूंगा तुझे। भोपले से नजर उतारने का नाम मत लेना, एक बार नजर उतार के देख चुका हूँ मैं। अब तो सांभर में भी भोपला खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। चले आते हैं भोपला का नाम लेकर। नमस्ते। नमस्ते। ऑटो खाली है? पहली ही सवारी इतनी भक्तिपूर्ण, एकदम भगवान का रूप। आइए भाई साहब बैठे ना। थोड़ा साइड हो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कितनी अच्छी सवारी है, कितना तेज है इनके चेहरे पर। आप बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, मैं चलाता हूँ। आपको कहाँ जाना है? शमशान घाट।
ये क्या शक्ल कुछ और है, बातें कुछ और कर रहा है। वहाँ तो लोग मरने के बाद जाते हैं, आप ऐसे ही जा रहे हैं? शमशान वाले एरिया में जाना है भाई। अच्छा तो फिर ऐसे बोलिए। अरे सामने देख कर गाड़ी चलाओ, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। पागल हो क्या, गाड़ी चलाने दो। अभी तुम्हारी वजह से कुछ हो जाता तो फिर कौन जवाब देता। चले आते हैं गाड़ी में बैठने। इसके पहले ऑटो में नहीं बैठे क्या? बैठा हूँ, मगर बैठने के बाद जहाँ पहुँचना होता है नहीं पहुँच पाता। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मेरे भाई, अभी तक जिस ऑटो में बैठा हूँ उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ? कभी हाथ गाड़ी को ठोक कर हाथ गाड़ी वाला मर गया। हाँ? कभी पानी के ट्रक को ठोक कर उसका ड्राइवर मर गया। हाँ? और कभी कभी एक्सीडेंट करने के बाद ऑटो ड्राइवर मर गया। हाँ? हमेशा कोई ना कोई मरता है और मैं बच जाता हूँ। अरे क्या बोल रहे भाई, तुम्हारी गाड़ी में 18वीं बार बैठा हूँ। चलो चलो भाई। अरे लॉरी लॉरी लॉरी, अरे लॉरी 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 को देखो लॉरी। अरे मर जाओगे भाई, मर जाओगे। हे भगवान, आज तो जाते जाते रह गए। तो गए क्यों नहीं? क्या कहा? जहाँ जाना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तुम जरा मुंह बंद रखोगे अपना भाई? मुंह बंद रखो, क्या मैं कोई लाश हूँ? अरे क्यों उल्टी बात कर रहे हो तुम? ए, अरे तुम्हें सीधा बात करना नहीं आता क्या? सीधा बात करूंगा तो पहुँच जाओगे। अरे जैसे जाना है हाथों से बताओ ना। ऐसा क्या? और क्या, अभी तुम सीधे सीधे चलो, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर सामने देखना, अब पहुंच जाओगे। तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। ये अच्छी बात बोली। तुम जिसे ठोकोगे नुकसान उसका होगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा ऑटो कहाँ है? ऑटो के ऊपर ही तो ये बस है। क्या बोला? और बस के ऊपर तुम हो। चपटा हो गया क्या? चपाती बन गई। हेलो रम्या, मैं विजय बात कर रहा हूँ। मेरा एक काम करोगी? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, नंबर TN073628। ये किसकी गाड़ी है? ओनर का नाम और उसका एड्रेस ये पता करके बता सकती हो? यस। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एंसी नहीं दूंगा। आपको मेरे बारे में पता नहीं है। हेलो सर। अरे अरे, आप खड़े क्यों हो गए सर? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो करना ही पड़ता है। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। छोटी हेल्प चाहिए? अरे आप तो बड़ी हेल्प मांगिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो बड़ी वाली गाड़ी किसकी है? वो अपने बड़े साहब की गाड़ी है। अरे अरे करेक्ट। दूसरी? वो तो अपने छोटे साहब की गाड़ी है। अच्छा अच्छा, ये किसकी गाड़ी है? इसके बारे में हम नहीं बता सकते। सीक्रेट ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ पुलिस को बता सकते हैं, पब्लिक को नहीं बता सकते। सर इसमें ऐसा क्या गलत है? सर कुछ भी गलत नहीं है। पब्लिक को बता सकते हैं, पुलिस को क्यों बताए, वो गलत है। सर बोलिए ना सर, ये तुम ले जाओ, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा कि फाइल चोरी हो गई। थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ यू। कौन है? प्रिया को किसने मारा? पता नहीं। बोल प्रिया को किसने मारा? बोल, नहीं पता। बोल, बोलता हूँ। बोलेगा कि नहीं? बोलता हूँ, बोलता हूँ। आधी है मुझे इतना ही पता है, वो जो बोलता है अपुन करता है, और अपुन को जो चाहिए वो पूरा कर देता है। अगवा करते वक्त मैं साथ में रहता हूँ, काम होने के बाद मैं निकल जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। अब वो कहाँ पर है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ये नहीं बैठा है। प्रिया के पास जाके माफी मांगना। Evolution, red revolution.
प्रिया को जिसने मारा वही नहीं, उसे जिसने अगवा किया उससे संबंध रखने वाले को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो पूछा है उसका सही जवाब देगा तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना तू जान से जाएगा। मुझे छोड़ दो। प्रिया को जिस गाड़ी में अगवा किया वो तू ही चला रहा था? हाँ। अब तक कितने लोगों को अगवा किया है? 43 लोगों को। जो अगवा किए हुए बच्चे हैं वो गाड़ी में क्या करते हैं? बोल क्या करते हैं? रोते हैं। कैसे है? चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वही कैसे पूछ रहा हूँ? छोड़ दो मुझे। अरे अरे नहीं नहीं छोड़ दो। ऐसे ही चिल्लाए होंगे ना? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया को बचाने के लिए उसके पिताजी ने जो 2 करोड़ दिए थे उसका क्या हुआ? प्रिया को क्यों मारा बोल? मेरा काम सिर्फ अगवा करना है, उसके बाद मेरा काम खत्म। मुझे छोड़ दो। ये काम किसने किया? नहीं पता। ये शहर के एक होटल में, वहां पर प्रमिला नाम की एक औरत है, उसे ही दे देते हैं, वो पैसे देती है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कैसी दिखती है वो? वो हम नहीं बता सकते। ए, उसके चेहरे पर लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा दाग है। ये चॉकलेट मेरी तरफ से प्रिया को दे देना। सर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जिन्होंने बच्ची को अगवा किया था कोई उन्हें जानबूझकर मार रहा है सर। शहर में मर्डर और किडनैपिंग बढ़ रही है, पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है क्या? जाइए प्लीज पीछे चलिए। भगवान दया करना, आज सुबह सुबह मुझे एक अच्छी सवारी दे देना भगवान। कई दिनों से अच्छी बोहनी नहीं हुई है। कौन हो तुम? कौन हो? ये तो बेवड़ा है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अरे उठो। ये तो इधर आ गया। अरे क्या करो इसका मैं? अरे उठो भाई। अरे सुनो, अरे क्या कर रहे हो भाई? मेरी ऑटो मिली थी तुम्हें बैठने के लिए। अरे उठो भाई। भाई तुम चलोगे क्या? कहाँ जाना है सर? तारापुर जाना है। तारापुर जाना है? अरे कितनी अच्छी सवारी है भाई, जरा उठ जा। अरे हाथ जोड़ रहा, उठ जा भाई। अरे भाई तुम्हें जाना है कि नहीं? चलूंगा सर। ये पता नहीं कौन है दारू पीकर मेरी ऑटो में आकर बैठ गया। आप जरा इसे उतरवा दीजिए, फिर हम यहाँ से चलते हैं। क्या कहा? इसे मैं उठाऊं? उठाते वक्त अगर ये आदमी मर गया तो पुलिस को कौन जवाब देगा? मुझे नहीं जाना है। बिल्कुल कहीं का उतारते समय मर जाएगा। अरे रे रे रे, क्या सुबह सुबह मेरी गाड़ी में बैठकर पनौती कर दिया तूने? अरे उठ भाई। अरे रे रे रे, अरे इस कमीने ने तो मेरी सर्कस करवा दी। अरे रे 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 रे, अरे तुझे कोई और ऑटो नहीं मिला क्या? उतार भाई। उतार। अरे क्या करूं इसका मैं? ऑटो मेन रोड तक जाएगी क्या? मेन रोड तक? अरे वाह कितनी बढ़िया सवारी है। अरे मुझे जाना है तो उठना भाई। मैडम जरा मेरी सहायता कर दीजिए, फिर आपको लेकर चलता हूँ। क्या कहा? तीनों मजे से ऑटो में जाएंगे? ऑटो के लिए पूछा तो बकवास बात करता है, तुझे तो मार डालूंगी। चलो चलते हैं। अबे तेरी वजह से आज मेरी बोहनी खराब हो गई, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। कमीने रुक जाओ। ये क्या इतनी तेजी से उठ रहा है? पैसेंजर को क्यों मारा? पैसेंजर क्या? और क्या, मेघालय में उतरने को बोला था, भूल गया क्या? ए, अरे तू क्या मेघालय जाने की बात कर रहा है? अरे ये ऑटो है, कोई ट्रेन नहीं तुम्हारी। ये ऑटो है क्या? मैं तो पीके ट्रेवल्स में था। पीके ट्रेवल्स? वो यहाँ कहाँ है? दिमाग खराब है क्या तेरा? मेरा दिमाग खराब है? मेरे कानों में अभी तारापुर और मेन रोड सुनाई दिया, वो सब क्या था बोलो? ए, अरे वो सवारी ने पूछा था, वो था। ए, मुझसे झूठ बोल रहा है तू? मैं बस में बैठा हुआ था, तूने अगवा करके मुझे ऑटो में ले आया, तू चीटर है। अरे मैं तुझे अगवा करके क्या करूंगा भाई? ए, बस के टिकट के 350 रुपए मुझे वापस कर। क्या बोला? नहीं तो अभी मुझे मेघालय छोड़। मेघालय का नाम मारूंगा। क्या हाथ जेब में डाल रहा है? इज्जत से पैसा निकाल, निकालता है कि अभी काटूं मैं। रुक जा भाई, देखता हूं कितने। निकाल 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 निकाल।
ये 100 रुपए है, यही ले लो। बाकी के 250 वहाँ तक जाने के लिए 100 काफी नहीं है क्या? चल घड़ी निकाल। अरे अरे घड़ी क्यों निकाल रहा है ए भाई? आज इसकी वजह से मेरी सुबह सुबह सवारी भी गई और अब ये मेरी घड़ी भी लेकर चला गया। क्या नसीब लिखा है ऊपर वाले ने मेरा, कभी ना कहेगा। चप्पल भूल गया था। मेरे नसीब में ऐसे कमीने क्यों लिखे हैं? Hey you people! Do you know what I'm talking about? What I'm screaming about? What I'm rapping about? What I'm... इस बच्ची को अगवा करने में तुम तीनों में से किसका हाथ है? बता दो। प्रिया को क्यों मारा? बोल क्यों मारा उसको? मांगा हुआ पैसा हमारे आदमियों के पास नहीं आया, इसलिए गुस्से में उसे मार दिया। दिया हुआ पैसा कहाँ गया? वो किसी ने उठा लिया। किसने? किसने? हमें पुलिस में शक है। ठीक है, उस गिरोह का हेड कौन है? बोला तो वो मुझे मार देंगे। नहीं नहीं, खान, अहमद खान। अब कहाँ होगा वो? पता नहीं, मैंने कभी उसे नहीं देखा सर, बस फोन पर उसकी आवाज सुनी है सर। तो अभी तुम्हारे साथ कौन डील करता है? मुनीर सर, डॉन का भाई है वो। वो पैसे देकर अगवा किए हुए बच्चों को लेकर जाता है सर। कहाँ लेकर जाता है? पता नहीं सर। एड्रेस बता। बताऊंगा तो छोड़ देंगे क्या? पहले बोल। नंबर 10 सेकेंड लेन कृष्णा नगर मॉल के सामने। ठीक है, गुड बाय बोला गया? नहीं सर। गुड बाय बोला गया? नहीं नहीं। प्रिया को गुड बाय बोला गया? नहीं नहीं। बोल, गुड बाय बोला? नहीं सर। बोल, अरे बोल, गुड बाय बोला क्या? गुड बाय प्रिया। गुड बाय बोल दिया, गुड। एक औरत हो के ऐसा कर दियो, शर्म नहीं आती? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। पैसों के लिए ये सब कुछ किया। बच्ची यहीं पर है। कौन सी बच्ची? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही। Gonna make you my Ronnie. Do you know, no what am I talking about? What am I screaming about? What am I rapping about? What am I yelling about? What am I feeling about? It's A-A-A-N-A-I. इस बच्ची को अपने घर पे पहुंचाकर इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए सर। तुम्हारे एक एक आदमी को वो मार रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। मार डालूंगा। इसने क्या गलत बोला? इतना कुछ हो चुका है, कल तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? ए, कल से ये लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, इन्हें घर पे ही रुकने को बोल। अगर आ गए ना तो जान ले लूंगा। चल निकल। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? कृष्णा रोड नंबर 10, यही है ना? हाँ यही है। मैं यहाँ पर एक घर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ कोई घर नहीं है, 35 साल से स्कूल ही है। हेलो, तुम प्रिया की माँ हो ना? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी आवाज नहीं पहचानी? ए, आप फोन क्यों किया? अपने घर के गेट पे जाके देखो। देखा ना, अभी जो धमाका बाहर हुआ वो घर के अंदर भी हो सकता था। अरे अब तो मैं क्या
चाहिए। अपने पति को फोन लगाओ। कहां से है फोन? मेरे घर से। बात कर। सुनिए जी। हाँ मीना, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। कट कर, फोन कट कर। क्या? हेलो, हेलो। अपने पति से बात कर ली ना? अब मुझे विजय से बात करनी है। आधे घंटे में मैं फिर से कॉल करूंगा। अगर विजय नहीं आया तो तुम्हारे पति को मार डालूंगा। शिट, गलती हो गई। हेलो, बोलो। मैं विजय बात कर रहा हूँ। मैं अहमद खान। तू हमारे नेटवर्क को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वो तुझे रोकना होगा। अगर मुझे परेशान किया तो इस परिवार को खत्म कर दूंगा। जिन बच्चों को अगवा किया है उनका सर काट के उनके घर पे कुरियर करवा दूंगा। गुस्सा आ रहा है? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो पूरे शहर में दहशत होगी, दहशत। सुनिए, अब किसी बदले की जरूरत नहीं। जिसने गलत किया है उसे भगवान ही सजा देंगे। जो गलत कर रहा है उसे भगवान के पास भेजने का काम मैं कर रहा हूँ। प्रिया तो चली गई, उसकी जान लेने वालों को सजा मिलेगी ये सोचकर खुश थी। लेकिन अब बात मेरे परिवार पर आ गई है। मुझे डर लग रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, अपना परिवार चाहिए। छोड़ दीजिए ये सब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज। ठीक है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुमने विजय को पुलिस कस्टडी में क्यों रखा है? उसे तो कोर्ट में पेश करना चाहिए था। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। 6 बजे के बाद तो टेनिस कोर्ट भी बंद रहता है। एक डिसेंट पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव कीजिए। वो मुझे मत सिखाओ। आप रिटायर हो चुके हैं, मत भूलिए आप। मुझे हायर ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा। जाइए, एक ऑफिसर है इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे देख लेना। सर वो कोई आम आदमी तो नहीं है, देखना वो जरूर कुछ करेगा। उसके पहले हम करेंगे। चली चली हवा चली आओ। सुनिए, जरा वो कपड़े ऊपर फेंक देंगे क्या? ये लो। एक बार और फेंकिए ना सर। पकड़ लो। एक आखिरी बार सर। अरे चलना, दूसरा काम नहीं है क्या? इस सीढ़ी से ऊपर आकर दे दीजिए ना सर। ये ठीक है, ऊपर जाके देता हूँ। अरे ओ बहरे लोगों, इस सीढ़ी को ले जाकर इस एड्रेस पर पहुँचा कर आओ। ये लो। सुला कर लेकर जाएं या खड़ा करके लेकर जाएं? जैसी तुम्हारी मर्जी। सो स्वीट, बाय। उठाओ। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो? अरे ऊपर हाथ दिया भाई। अरे पकड़ो, इसे पकड़ो। अरे मुझे डर लग रहा है, रुको। बहुत ज्यादा वेट है इसका। अरे मर जाऊंगा। अरे सुनो, अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या बोल रही हूँ, अच्छे से सुनो। आज रात में हम दोनों भाग जाएंगे। एक और खास बात है,
हम भाग रहे हैं ये बात मेरे पति और तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक, समझ गए ना? अरे कमीनो, तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर के ये सब कर रहे हो? अरे इसने देख लिया। अरे सीढ़ी के ऊपर एक आदमी है। सीढ़ी की कीमत 750 रूपए है। अरे उठाओ भाई। हाँ, उठाओ। चलो चलो, मेरी बात सुनो। अरे मर जाऊंगा। कौन से एरिया से हो? कौन से एरिया से हो? कौन से एरिया से? अरे टाटा नगर से जेपी नगर तक लेकर के जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं तो इनके साथ साथ जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। शर्म नहीं आती है? बदतमीज कहीं के, यहाँ ऊपर आकर क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। अरे नीचे उतार टकले। थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दे। अरे देखिए देखिए, मैं यहाँ नहा रही हूँ, वो मुझे देख रहा है। क्यों बे? अब नीचे सब देखते, इसलिए ऊपर नहाने के लिए बोला। तू सीढ़ी लेके ऊपर देखने चला आया। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। चलो उठा उठा। अरे रुको 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 सर। बस 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 बस। अरे आज तो इन लोगों ने मेरी लंका लगा दी। चलो उतर गया। अरे तू किधर से आया? प्लेन से आ रहा हूँ। दिखता नहीं तुम लोगों को? मैं ऊपर हूँ, देखे बिना तुम लोग कहाँ लेकर के जा रहे थे मुझे? बेवकूफ, बेकार आदमी, कुछ भी करते रहते हैं। बताया क्यों नहीं कि ऊपर एक आदमी है? बाहर जाके दरवाजा बंद कर लो, बुलाऊंगा उसके बाद आना। मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोलो बोलो। मेरा प्रिया की मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? मेरा प्रिया की मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रिया के बारे में मैंने पूछा ही नहीं। hey, प्रिया की मौत के साथ तेरा क्या संबंध है? बता बता। डॉन के भाई को मैंने ही गोली मारी थी। क्यों मारा? प्रिया के बाप ने जो पैसे दिए थे उसे उठाने का मेरा प्लान था। एक बैग में 1 करोड़ और दूसरे बैग में पेपर भरा। पैसे किसने गाड़ी में रखे थे? जयराम का भाई हरिराम, उसके इन्फॉर्मेशन पे ही मैंने तुम्हें अरेस्ट किया था। मतलब तेरे पैसे उठाने के लिए उन लोगों ने मेरी प्रिया को मारा। मुझे छोड़ दो, मैं वो पैसे वापस कर दूंगा। दे दे, मगर मेरे पास नहीं। प्रिया को दे देना, समझ गया ना? चल निकल। नमस्कार, आज की ताजा खबर। सीनियर इंस्पेक्टर देवराज को विजय ने गोली से मार दिया है। मैं आपकी बेटी प्रिया के बारे में बात करने आया हूं। भगवान के लिए कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रिया को क्यों अगवा किया गया था? पैसों के लिए। कितने पैसों के लिए? 2 करोड़ रुपए। दिए थे या नहीं? दिए थे। तो फिर प्रिया को क्यों मारा उन लोगों ने? अरे वो पैसे किसी और ने ले लिए थे। शट अप। मैंने बोला ना कोई बात नहीं करेगा। मैं बताता हूं,
आपने नहीं दिए। 2 करोड़ दिया था, मुझे पता है। वही बोल रहा हूँ, नहीं दिए। 2 करोड़ मैंने हरि के पास खुद दिए थे। एक बैग में 1 करोड़ थे और दूसरे बैग में सिर्फ पेपर्स थे। अरे वो 1 करोड़ का क्या हुआ, अपनी फैमिली को बता दो। ये फालतू बकवास कर रहा है। हे, क्या फालतू बकवास कर रहा है? हाँ, तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ पैसे किसको दिए, बोलो। पैसे बैग में रखे थे या नहीं, अब कुछ बोलोगे या नहीं? बोलो हरी, बोलो। हाँ हाँ, पैसे मैंने ही लिए हैं, उसमें से 1 करोड़ निकाल कर पेपर मैंने ही रखे थे। क्यों, क्यों किया ऐसा? बोल, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा? पैसा, पैसों के लिए तुम जो देते हो वो कम पड़ते हैं। सोचा था जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा, इसीलिए प्रिया का सहारा लिया। सोचा 1 करोड़ मैं रख लूंगा और 1 करोड़ किडनैपर्स को दे दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची प्रिया को वो मार देंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। सुनो, मेरे बेटे को कुछ मत करना, छोड़ दो उसे, आप ही कुछ बोलिए ना, उसे कहिए ना छोड़ दे। नीना, तुम तो कुछ कहो, उसे कहो कि वो उसे कुछ ना करे। जय, तुम तो कुछ बोलो ना बेटा, उसे छोड़ने के लिए कहो ना, बोलो ना बेटा। जय, तुम्हारे भाई को माफ कर दो। जय, मेरी बात तो सुनो बेटा, जय मेरी बात सुनो। प्रिया को तुम बहुत पसंद है ना, तो बिना सोचे समझे ये पाप कैसे किया तुमने, कैसे हो पाया ये तुमसे? उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, ये उसे पता भी नहीं होगा। मरते वक्त कितना तड़पी होगी वो, मेरे बड़े पापा आकर मुझे बचाएंगे ये सोचा होगा उसने। लो मार लो खुद को, मार लो। सर, विजय अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है सर। तुम उसे कैसे जानते हो ये बताओ। वो हमारे घर में भाड़े पे रहता था, तभी उससे मिला था। सर मेरी एक छोटी सी विनती है सर। क्या है? आप मुझे यहाँ ला करके पीट रहे, उसका कोई फायदा नहीं है सर, सब वेस्ट है। ये नाजुक बदन है सर, जरा सा मानेंगे तो टूट जाएगा सर। विजय को और कौन कौन जानता है? अपने रिश्तेदार की बेटी संध्या से मैं प्यार करता था सर, मगर वो उसे प्यार करती थी सर। संध्या कहाँ है, तुझे पता है क्या? अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, अच्छे से पता है सर। विजय से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं सर। तुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता, सच में नहीं पता, नहीं पता। याद रख, मैं तुझे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, वरना अंदर डाल के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कहाँ है विजय? मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ सर। वो कहाँ है तुम्हें नहीं पता? सच में नहीं पता है सर, मुझे भी उससे बहुत सारी बातें करनी है, मगर पता नहीं वो कहाँ है। अगर आपको मिले तो मुझे फोन करने को कहिएगा। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती हो क्या? देखना, उसे मैं जेल के अंदर डालूंगा। मैनेजर का दिया हुआ एड्रेस गलत निकला, अब तुम्हारे पास कोई क्लू भी नहीं है, अब तुम क्या करोगे विजय? सर भले ही वो एड्रेस मैनेजर ने दिया हो गलत है, लेकिन स्कूल में और ग्रुप में कुछ तो संबंध है ऐसा मुझे लगता है, सो हमें वहीं जाके देखना होगा सर। इस लड़के का नाम बादशाह है। थैंक यू। बादशाह, ये जो फोटो में है वो? पता है अंकल। कौन है? मेरे पिताजी का फ्रेंड है। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मुनीर खान।
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चुप। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ये कौन है? मेरे हस्बैंड। नाम? मनीर। क्या लगता है तुम्हारा ये? मेरे हस्बैंड का भाई। तुम्हारे हस्बैंड का नाम? अहमद खान। अब वो कहाँ पर है? पता नहीं। तू कैसे कांटेक्ट करता है उसको? बोल। हम फोन करके कट कर देते हैं, वो खुद कॉल करते हैं। ठीक है, फोन लगाओ। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। तुम वहाँ कैसे? उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, अभी तेरी फैमिली मेरी कस्टडी में है, समझा? तुम गलत कर रहे हो। ले जरा अपने भाई से बात कर। बकर। हो गई बात। तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझे तेरी जरूरत है। डरा रहा है क्या? अगर कुछ ही देर में तू यहाँ नहीं आया तो तेरे भाई को। बोल, मैं सुन रहा हूँ। इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लोगे? कभी सोचा नहीं था। तुम मुझे एक जान दोगे तो मैं तुम्हें एक जान दूंगा। किस जान के बारे में बात कर रहा है? तुम्हारी प्रिया की जान। प्रिया तो अभी रही ही नहीं। बिना फायदे के किसी का खून कर दूं, इतना पागल नहीं हूं मैं। वो अभी जिंदा है। नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? प्रिया के टेडी बेयर को मेरे नाम से जरा बुलाओ। प्रिया! उस टेडी पे तुम्हारा ही नाम है, विजय। तुम्हें प्रिया चाहिए और मुझे तुम। प्रिया के लिए तुम कुछ भी करोगे, ये मुझे पता है। अगर तुम प्रिया को सही सलामत चाहते हो तो मेरी बीवी और भाई को जिंदा छोड़ दो। मैं तुम्हारी प्रिया को छोड़ दूंगा। कहाँ आ रहा है मुझे? मेरे भाई को पता है। हेलो, मैं विजय बात कर रहा हूँ। बोलिए। प्रिया जिंदा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी प्रिया जिंदा है। क्या हुआ? अगर एक बार के लिए प्रिया नहीं आई तो इसे गोली मार देना। प्रिया आते ही इसे रिलीज करके चले जाना। एक मिनट भी वेट मत करना। Thank you.
कुछ नहीं होगा। प्रिया तुम्हें मारा क्या? जाओ तुम जाओ। तुम्हारी डायरी इसे लेकर जाओ। तुम्हारी मौत ही प्रिया को बचा पाएगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बच्चे को कुछ मत करो। शहर में एक और मौत हुई है। आतंकवादी अहमद ने मचाया हाहाकार। पुलिस के वर्दी के बिना विजय ने एनकाउंटर किया। लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। पुलिस में विजय को फिर से लेना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेना गलत है, पर उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए ऐसा किया। समाज के अपराधियों को मारने वाले विजय को कानून दोषी मानते हुए सजा देती है और सजा खत्म होने के बाद।